Allah malah pengen nanti boleh kok माशाल्लाह दूल्हे साहब यहाँ पे ही जमा हो चुके हैं। दूल्हा जो है ना वो इतने जल्दी है दूल्हे को जल्दी अली मस्जिद में जा। यहाँ पे जी निकाह जो है ना वो डाला जा रहा है आवाम मुकम्मल जो है ना। मुबारक जी निकाह जो है ना वो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारकबाद जी अभी जो है मिठाई जो है ना जी निकाह होने के बाद जो मिठाई बांटी रात जा रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह निकाह पा के वापस आ गए हैं। गए थे तो वहाँ से जब वापस आए हैं ना तो ये काम जो है ना ये करना पड़ गया है। अच्छा क्या पका रही हो आज? आज है ना चावल। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक का करम है, आप लोग की दुआएं हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक से नेक साले औलाद दे, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, आमीन सुम्मा आमीन। इस नेक दुआ के साथ हमारा व्लॉग होता है शुरू और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो जब बहुत अच्छी और ज़बरदस्त होने वाली है रहना हमारे साथ। तो आपको जैसा कि पता है आज है अहसन का निकाह, तो इधर जो है ना तैयारियाँ वगैरह हो रही हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप लोगों ने इंजॉय करना है, जाना कहीं नहीं है। वीडियो जो है ना आपने फुल वॉच करनी है और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, बहन भाइयों के साथ दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ वीडियो शेयर भी करनी है। तो मौसम मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मौसम कैसा बन गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा और प्यारा मौसम बना हुआ है। दुआ करते हैं कि शादी वाला दिन भी ऐसा मौसम बना हुआ। तो गर्मी है इतना बहुत ज़्यादा गर्मी हो, जब बादल नहीं होते हवा नहीं होती तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, शादी खाने का मज़ा भी नहीं आएगा। तो अब निकाह खाने का मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त वी आई पी और हमारा दूल्हा साहब जो है ना ये दांत खिला रहा है। मेरी शादी पे मौसम ठंडा है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो निकाह है ना, शादी पे और ठंडा होगा इंशाल्लाह। मैं यही बहन भाइयों को कह रही हूँ कि दुआ करें जैसे आज मौसम बना हुआ है ना शादी वाला दिन ऐसे मौसम बना हुआ, जबरदस्त इंजॉय करें, खाएं पिए, मौजे उड़ाएं। अभी बहन भाइयों के साथ मौसम शेयर करते हैं। हाँ जी दिखाओ मौसम। सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले ये देखें ये दरख्त कैसे झूम रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत प्यारी प्यारी ज़बरदस्त, ऊपर चारों तरफ बादल ही बादल हैं, बहुत मौसम प्यारा प्यारा बना हुआ है, ऐसे लग रहा है कि अभी बरसात आने वाली है। हाय 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 कमाल द मौसम है, कमाल द माशाल्लाह, चारों तरफ ये देखे बादल ही बादल हैं। जबरदस्त हवा चल रही है ठंडी ठंडी, जैसे कहीं बारिश हो रही है ना वैसे आ रही है ठंडी ठंडी हवा। माशाल्लाह जी मैंने तैयारी कर ली, आप देख सकते हैं मैं रेडी वेडी हो चुकी हूँ और इतनी लोग हैं जो कैमरे में नहीं आते, बहुत सारे लोग हैं। ये ऐसी शादी है ना, ये शादी वाले वीडियो भी हमें अकेला बनाना पड़ेगा। तो अभी जो है ना इधर घर से निकलते हैं, गेट देखें वो खुला पड़ा है सामने, तो इधर से बारात निकल के जाएगी। ये सिंपल सादा सा निकाह है, ना कि सेहरे होंगे ना कि ढोलक होगी, आप लोगों ने बस इंजॉय करना, देखना है। जैसे हमारे मौजा मलिक के निकाह पे हुई थी बहुत बड़ा फंक्शन था, ये वो नहीं ठीक है। इधर के लोग जो है ना ये आपको पता है गांव के लोग हैं, ये ऐसे होते हैं, पता नहीं शादी का फंक्शन आप लोगों के साथ कैसे हम शेयर करेंगे। तो बाकी जो सब लोग तैयारियों में लगे हुए हैं उनसे भी मिलवाते हैं और देखते हैं कि कितना देर हो, भाभी जान आ चुकी है, फोन करो कट मार चाहिए। हाँ और भाभी जान जो है ना वो भी तैयार हो चुके हैं, दूल्हे साहब की मम्मा अभी चलें, कितना देर है बस निकलने वाला है, मौसम बेटा
तैयारी कर रहा है। हाँ। आसन की तैयारी हो गई है। हाँ, हो गई। चलें जी, जो जो रेडी हो गया उनके साथ गपशप लगाते हैं, आपको भी मिलवाते हैं, रहना है आपने हमारे साथ। प्यारे बहन भाइयों, तैयारी जो है ना मुकम्मल हो चुकी है, तो अभी निकलते हैं दूल्हे को लेकर, वहाँ पे निकाह जो है ना डालते हैं, तो आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो ये जो है ना सादा सा निकाह है, निकाह का फंक्शन ज़्यादा नहीं है, देहात का मौसम है, तो यहाँ पे देहात का जो इंतजाम बात होते हैं वो बस चंद लोगों को साथ में लेके जाएंगे, और वहाँ पे इतने इकट्ठे हो जाएंगे सबको जिनको बुला बुला के आया है ना, वो सब जमा हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पर निकाह जो है बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, और निकाह डलने के बाद हम फिर घर वापस, और फंक्शन में ज़रूर आपने अटेंड करना है, घर आके जो फंक्शन होगा उसमें लाजमी आपने अटेंड करना है, हमारे साथ रहना है। ओके हो गया जी, चलते हैं निकाह डालने दूल्हा को लेके। वाजी वाह, वाजी वाह, क्या बात। अभी लड़के जमा हैं जी, वो खड़े हैं, और इधर ये हैं बंदे इकट्ठे हो रहे हैं सारे, ये भी वो भी। बीबी हो गया तैयार, और बीबी की माँ भी हो गई तैयार, और ये किसके नाले पा रही हो? ये हैं मेहरान के। अच्छा, मेहरान खान के। मेहरान खान। चलो जी, बदलाव चलिए, बदला ले, चेंज कर ले, फिर चलो यार। चलो इधर जमा हो गए हो, चलो यार चलें, क्या हो रहा है? और दिन दूल्हा साहब आ जाएं। दूल्हा साहब की दादी का वेट हो रहा है, बड़े बड़े बुजुर्ग तो वो तो कह रही मैं जा नहीं सकती। हाँ, हो गई हुई है। अच्छा, मैं चल नहीं सकती हूँ, और मैं जा नहीं सकती हूँ, मैं क्या करूँ? आपकी दादी बोला है। अभी दुल्हन लेने जा रहे थे क्या? ओह, आपकी खाला ने आपकी उम्मीद पे पानी फेर दिया। ओए ओए, अभी प्रोग्राम उल्टा हो गया। हाँ जी, चलो कोई नहीं, कभी तो देंगे ना। हाँ, आज नहीं देंगे तो कभी तो देंगे ना। दुल्हन आ जाएगी, आ जाएगी, टेंशन ना लो, दुल्हन आ जाएगी, कहीं नहीं जाती। आ जाओ। ओ माशाल्लाह, माला पहना दी दूल्हे को, माशाल्लाह। आप हो गए दूल्हे पूरे। भाभी किधर है? तेरा जो, तेरा जो। अभी मजा आएगा, शेरा गाएंगे। अभी जो है शेरा गाने वाले हैं जी, अभी मजा आने वाला है, जबरदस्त शेरा गाएंगे जी। हाँ, चलो चलो चलो, शुरू करो शुरू करो, और शेरा शुरू करो, शेरा शुरू करो। हाँ, नहीं उनको जैसे पता भी नहीं है। वाह वाह, मामू क्या हो गया भाई, मामू क्या हो गया भाई, भाई ने भी ऐसा नहीं किया, वो देखो छुपा खड़ा है। चलो चलो चलो, वेट न करें, चले 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 चले, वेट हो रहा है उधर, इंतजार हो रहा है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मामू, खैर है, कुछ नहीं होता, चलें जी, चलें चलें, अल्लाह खैर करेगा। चलो जी, माशाल्लाह जी, सब जमा है, और उधर भी जमा है, उधर भी वो देखे हैं बहुत सारी, और मोहसिन ने जो है ना ये देखे, मिठाई का पांड उठाया हुआ है, है वाह मोहसिन खान, वाह वाह मोहसिन खान, वाह क्या बात है जी, क्या बात है। बस जी रवाना हो रहे हैं जी, घर से निकल चुके हैं, जनाने भी पीछे आ रही हैं, और सब आगे पीछे जा रहे हैं जी निकाह डालने के लिए। मैंने कहा था 6 तो बज जानी है, लेकिन नहीं मान रहे थे, 5:30। हाँ, 5 बजे का टाइम था ना, अब 6 तो मैंने बोला था।
बस जी अभी जो है ना नज़दीक पहुंचने वाले हैं, दूल्हे साहब को लेके पहुंच रहे हैं जी। भागने का खतरा है, घोड़ भाग ना जाए, आगे पीछे घेरा हुआ है, घेरा हुआ है, ले जाएंगे एक दफा तो शादी जरूर करेंगे, इनकी फिर मर्जी। ये बंदा कमजोर मुझे डर है। चलें चलें जी, चलें जी। यहाँ पर ही जमा हो चुके हैं, दूल्हा जो है ना वो इतना जल्दी है, दूल्हे को जल्दी जल्दी मस्जिद में जा रहा है। नमाज अदा कर लो, ठीक है, नमाज अदा करने के बाद आपका निकाह पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि कोई हाँ तौबा कर लो, हाँ कि आपकी बात जो है मान ली गई है। दीवार फाड़ लिया मुंशी, दीवार फाड़ लिया आपने। क्या बोला है सौरे ने, इसके ससुर ने क्या बोला? इसके ससुर ने बहुत बहुत जाना अच्छा बोला है, उन्होंने कहा मुझे पता नहीं था। क्या करने आए हो यार, हम परेशान हो गए हैं। परेशान नहीं होना, मुझे पता नहीं, वो पता नहीं, लड़के वालों को पता नहीं, आप लड़के वाले नहीं, वो ऐसे ना वो बातें कर रहा था इधर, वो दुल्हन का बड़ा भाई अब शकूर है ना, उसको मैंने देख लिया, उसने सीरियस बोला भी है मस्जिद में प्रोग्राम है, प्रोग्राम हमारा दिल अभी बांध तो मैंने तो ना, तो ये भाई जान रास्ता छोड़ो, हमको जाने दो। और साथ में ऐसे लग रहा था कि मोहसिन भाई का चेहरा जो है ना बिल्कुल मायूस हो गया था, शायद उन्होंने इसका लहजा उनको पता नहीं है कैसा है, उनको भी नहीं पता। तो नहीं, मोहसिन ना छोटे लाल से ना बह रहा है अभी, वो इधर घर पे खड़ा, वो बंदे को जानता भी नहीं है, वो इसकी जो ना फलासफी नहीं जानता, अब्दुल खालिक की फलासफी जो है ना वो जानता नहीं है ना, हाँ फलासफर बंदा है, हाँ ये इसलिए ना वो घबरा गया था। असल में बात ये है, कुछ मौसम का भी होता है, मौसम माशाल्लाह मौसम अच्छा है ना, तो आज अच्छा होगा मौसम की वजह से ना, जो निकाह है ना वो अटक रहा है। अगर अगर गर्मी होती ना ज्यादा ज्यादा गर्मी होती तो फिर निकाह जो है ना कुछ मसला बनता, मसला बना, गर्मी की वजह से भगा देता है, इसका जहन खराब हो जाता है बेचारा, गर्मी की वजह से। वो अभी उसने शुक्र करें कि ये बोला है, सिर्फ ये सिर्फ बोला है, शुक्र करें, नहीं तो ये डंडे लेके भागता है। आपके की तरह रजिस्टर की तरह हैं कादी साहब, हम तो लाइसेंस रखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ लाइसेंस रखते हैं यार, चलें यार। यहाँ पे जी निकाह जो है ना वो डाला जा रहा है, आवाम मुकम्मल जो है ना यहाँ पे आई हुई है, बहुत सारे बंदे हैं देख सकते हैं जी, जबरदस्त निकाह भी हो जाता है तो फिर चलते हैं वापसी की तरफ। कादी साहब आए हुए हैं, मुबारकबाद जी, निकाह जो है ना वो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबाद जी। अभी जो है मिठाई जो है ना वो बांटेंगे, मिठाई बांटें नहीं, मिठाई बांटें, निकाह हो गया मिठाई बांटें। चलो जी, निकाह होने के बाद जो मिठाई बांटी रात जा रही है जी, माशाल्लाह मौली साहब दे रहे हैं, माशाल्लाह जी माशाल्लाह निकाह हो चुका है जी। अब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, एक ये है ना।
ابھی تک جو ہے نا دلہے کے ابو کو نہیں دی ہے، دے دیں دے دیں بیربل کو دے دیں، ہاں وہ ہو گئی ہے پوری انشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو جی نکاح کی، ووٹ میرے ہوئی تھی نکاح کی، بہت بہت مبارک باد، بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک، نکاح جو ہے نا مکمل مبارک باد پوری ہو گئی، آج نا ابو کو مٹھائی دی ہے تو پوری ہو گئی، کتنی دی؟ بس الحمدللہ جی، الحمدللہ نکاح پا کے واپس آ گئے ہیں، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، مبارک میری طرف سے آپ کو، میں تمام دیکھنے والے بہن بھائی کو مبارک ہو، اور آپ نے بھی ہمیں بہت بہت مبارکباد بھی دینی، ہمیں خوشی ہوتی ہے نا ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ ہیں، الحمدللہ وہ ہماری خوشی ہے، ایسے سمجھو کہ شریک ہو گئے، صحیح بات، ہاں جی، آپ لوگوں نے ہمیں بہت ساری مبارکباد دینی ہے، اور ہمیں بتانا ہے کہ یہ گاؤں کا نکاح کی جو فنکشن تھا آپ کو کیسا، یہاں پہ جی کافی لیٹ ہو گئی، نکاح کے پروگرام میں چلے گئے تھے، تو وہاں سے جب واپس آئے ہیں نا تو یہ کام جو ہے یہ کرنا پڑ گیا ہے، کیونکہ ابھی لے کے آئے ہیں مصالحہ وغیرہ اور یہ چیزیں لے کے آئی ہیں، کھانا تو ضروری ہے، آج چاول جو ہے نا وہ بنائے جا رہے ہیں، ہاں جی، ان کے لیے جو مرچیں وغیرہ جو ہے کاٹی جا رہی ہیں، وہ گرائنڈر مشین کی طرح گئی ہے، وہ گرائنڈر ہے لیکن اس میں زیادہ وہ پیس ہی ہو جائیں، جی جی یہ کیا لے آئی ہو؟ یہ میرا وہ نکلا، میری یہ مندری نکلی تھی دونوں، اور اس کے کانٹے اور مندری اس کا دے دی، کانٹے پھر مجھے دیے، میں اس کا مندری دی اور کانٹے میں نے آپ ہمارے گھر بنا دیے، صحیح صحیح صحیح، جلدی کرو یار، کیا ہو گیا ہے، کون پکا رہا ہے؟ سب مل کے بنا رہے ہیں، سدرا ہے، بھابھی ہے، میں ہوں، ماریا ہے، بھابھی بھابھی فیزا فیزا عباس ہے، اچھا اچھا، علیحدہ کرے نا کیا پتا کون تھی بھابھی کا بات کر رہے ہیں، یہ دیکھو یہ کیا ہے، نکاح کی مٹھائی، اچھا بھائی آسن کا نکاح ہو گیا، ماشاء اللہ مبارک ہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، رونقیں لگی ہوئی ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھا کیا پکا رہی ہو آج، واہ واہ کیا بات ہے، تو شادی دا نکاح دا پکے نہیں پئی، جو نکاح کا وہ کیا کہتے ہیں دعوت ولیمہ، ہاں نکاح کا دعوت ولیمہ، جی جی یہ نیو گرمی کرتے ہیں اس لیے ان کو بدلی کریں، باقی صحیح بات ہے، کیونکہ ہم نے نیو نہیں پہنے گرمی کی وجہ سے، ہم نے وہی پرانے پہنے ہیں، ہاں تو جب تک کہ جاؤ چینج کر کے آؤ، اور ادھر مصالحہ کٹائی ہو رہا تھا، ہاں ادھر پتہ کرو کٹائی ہو گیا تو لے آؤ اور اپنی امی کے سر میں مارو، ہاں گھیو نہ جل جائے، گھیو کو تٹکا لگانے کے لیے جی سسٹر نے ڈال دیا ہے، تو ابھی مصالحے کا پتہ کرتے ہیں، پھر مصالحہ دیتے ہیں ان کو، یہ جل رہا ہے جی، میں نے آپ کو پہلے بولا تھا جلدی کر لو جلدی کر لو، لیکن آپ نے چھری اچھی نہیں، نہیں وہ چھری اچھی نہیں دی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں تھی، وہ حفصہ نے اٹھائی ہوئی تھی، ہاں ابھی مجھے مل نہیں رہی، کاٹ بھی ہوں کہاں پر، یہ چلی جاتی ہے کہاں پر، یہ ٹیڑھی ہوئی پڑی ہے ادھر سے، یہ دیکھیں یہ ہمارے دادے پردادے، اچھا بوڑھی ہے نا وہ والی، ہماری بوڑھی تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ بہن بھائی دیکھنے والوں نے کہا تھا کہ اس کو ہٹائیں، اس کو ہٹا دیں، اس کا ایک تو گن سیٹ کروا لو، یا گن نہیں ہے ختم کر لو، گن اس کا صحیح ہے، اس کی یہ والی ٹیڑھی ہے کاٹنے والی، سینٹر والی جگہ، یہ یہاں پہ کاٹ کاٹ کے ختم ہو گئی ہے، ہاں جی، واہ لوہا بھی ختم ہو گیا، کٹ کاٹ کاٹ کے لوہا بھی ختم ہو گیا، تو انسان کیسے رہنا ہے، انسان بھی تو ایسے ختم ہو رہا ہے، ہاں جی ماشاء اللہ، پیاز ٹماٹر مرچ سارا کچھ آ گیا ہے، لے جائیں لے جائیں، گھیو جلنے والا تھا میں نے نیچے اتار دیا، اچھا پھر نیچے رکھے ہوئے میں مصالحے ڈالے، بہت شور کیا، اچھا میں لیٹ ہو گیا تھا، چلو کاٹنے والی لیٹ ہو گئی تھی، آپ کی بھابھی تھی نا وہ کہہ رہی تھی جلدی آپ آگ جلاؤ شروع کرو، ہمارا گھیو بھی جلا دیا، نہیں جلائے، دیکھے کتنا پیاری پیاری خوشبو آئی، اور نیچے اتار دیا تھا پتیلا،
आ गया, पतीला सही रखा हुआ है, थोड़ा सा इधर करना है साइड पे, इधर से और ली साइड, ये वाली लंबे वाली साइड इधर। हाँ, ये कितना है चावल? 3.5 किलो। चलें जी, यहाँ पे अपना व्लॉग भी ख़त्म कर देते हैं, तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तो आपको निकाह की सेरेमनी कैसी लगी आपने बताना है, और मुबारकबाद हमें देनी है, हम आपको मुबारकबाद ऑलरेडी दे रहे हैं। तो ओके हो गया जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चावल हम पकाएंगे खाएंगे, ठीक है, चावल तो बनाएंगे खाएंगे, और आपको कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।